अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है टैबलेट न्यूरोबियान। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में टैबलेट न्यूरोबियान के बारे में बताऊँगा, किन किन बीमारी में डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके नुकसान, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी कंपोजिशन और यूजेस के बारे में बताऊंगा। इसकी डोज और साइड इफ़ेक्ट्स वीडियो के आखिर में बताऊंगा। वीडियो पूरी लाजमी देखें ताकि इसके बारे में जान सकें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। सबसे पहले इसकी कंपोजिशन के बारे में बताता हूं कि जिस तरह इसमें मेंशन भी है, न्यूरोबियान में वाइटामिन B1, B6 और B12 शामिल है। वाइटामिन B1 को थायामीन, B6 को पाइरिडॉक्सिन और B12 को साइनोकोबेलामीन कहा जाता है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शामिल है, B1, B6 और B12 है, तीन विटामिन शामिल हैं। अब मैं आपको इसके यूजेस के बारे में बताता हूँ कि किन किन बीमारी में डॉक्टर न्यूरोबियान टैबलेट को रिकमेंड करते हैं। न्यूरोबियान टैबलेट विटामिन B1, B6 और B12 की कमी है अगर जिस्म में, उसके लिए डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। अगर जिस्म में इन वाइटामिन की कमी है तो मुख्तलिफ किस्म के आपके जिस्म में अलामात हो सकती हैं। इससे आपका वज़न कम हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, न्यूरोपैथी हो सकती है, एसाबी कमज़ोरी हो सकती है, तो ये मुख्तलिफ एनीमिया हो सकता है, एनीमिया खून की कमी हो सकती है। तो इस टैबलेट जो मेन यूजेज हैं इसके, उसमें न्यूरोपैथी में अगर एसाबी कमज़ोरी है, एसाबी कमज़ोरी में डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं। एसाबी कमज़ोरी होती है कि जिस्म में नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं जो दिमाग से या स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर पूरे जिस्म में फैलती हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ये कंट्रोल करती हैं, फैलती हैं, जिस्म के मुख्तलिफ जो एहसासात होते हैं, सर्दी लगना, गर्मी, दर्द, तो उसके लिए उसको ये कंट्रोल करती हैं। तो अगर एसाबी कमज़ोरी है, नर्व डैमेज, अगर आपकी नसें कमज़ोर हैं या डैमेज हैं, उनकी वजह से आपको दर्द है, तो उसमें डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी अगर शुगर की वजह से आपको जिस्म में दर्द है, न्यूरोपैथी है, शुगर से ये होता है कि नर्व्स जो नसें होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो उनके एंड्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे पेन होता है, नमनेस होती है, सुन हो जाते हैं, हाथ पांव में दर्द होता है, हाथ पांव भारी हो जाती हैं, उसमें डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा शैटिक नर्व में अगर आपकी टांग में दर्द है, शैटिका है, उसमें भी डॉक्टर से एडवाइस करते हैं, क्योंकि वो भी नर्व की डैमेज की वजह से दर्द होता है, तो उसमें भी डॉक्टर से एडवाइस करते हैं। मसल वीकनेस, अगर मसल में पट्ठों में कमज़ोरी है, खिंचाव है, अगर आपके पट्ठों में दर्द है रहता है, तो उसमें भी डॉक्टर से एडवाइस करते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट वोमेन में, हामला ख्वातीन में अगर एनीमिया है, खून की कमी है, उसमें भी डॉक्टर टैबलेट न्यूरोबियान को एडवाइस करते हैं, रिकमेंड करते हैं। तो मसल वीकनेस, इसके अलावा एनीमिया में, प्रेग्नेंट वोमेन में, और साथ में अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ में, आमला ख्वातीन में मॉर्निंग सिकनेस है, मॉर्निंग सिकनेस ये होता है कि सुबह के टाइम उन्हें मतली, नाजिया, वोमिटिंग होती है, उसमें भी ये टैबलेट एडवाइस की जाती है। इसके साथ साथ जनरल वीकनेस, अगर कमज़ोरी है, जनरल वीकनेस है, इन विटामिन की कमी है, जिस्म में थकावट रहती है, दर्द रहता है, खून की कमी है, वेट आपका ज़्यादा नहीं हो रहा, वज़न कम है आपका, उसमें भी डॉक्टर से एडवाइस करते हैं। अगर इन विटामिन की कमी है, उसमें भी डॉक्टर से एडवाइस करते हैं। अगर नर्व डैमेज है, नसें आपकी डैमेज है, उसमें भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। डिप्रेशन में भी इसे एडवाइस किया जाता है। डिप्रेशन में ये होता है कि पट्ठों की कमज़ोरी हो जाती है, उससे पट्ठों में दर्द होता है, गर्दन में, उसमें भी डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। ये टैबलेट कुवे तो मुदाफ़त को भी ज़्यादा करती है। अगर आपका पुअर इम्यून सिस्टम है तो उसमें भी डॉक्टर इस टैबलेट को एडवाइस करते हैं। जो मेन मेन इसके जो यूजेस हैं वो है जी, खून की कमी के लिए, एनीमिया के लिए, मसल वीकनेस के लिए, जनरल वीकनेस के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, न्यूरोपैथी है, अगर एसाबी कमज़ोरी है, उसमें डॉक्टर से एडवाइस करते हैं। अगर शुगर में आपको एसाबी कमज़ोरी है, उसमें भी एडवाइस करते हैं। न्यूरोबियान टैबलेट एक पैक में 100 टैबलेट्स हैं, इस तरह के 10 पत्ते इसके एक पैक में होते हैं। ये मार्केट में इस टाइम 84 रुपये का आपको एक पता आसानी से मार्केट से मिल जाएगा। ये मेडिसिन की जो कंपनी इसे बनाती है वो मार्टिन डाओ है। इसको जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें
अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हैं या बहुत ही रेयर हैं ये साइड इफेक्ट्स, इसमें आपको नाजिया वॉमिटिंग हो सकती है, इसके अलावा डायरिया, पेट ख़राब हो सकता है, इचिंग, एलर्जी हो सकती है, ख़ारिश हो सकती है इससे। इससे अलावा आपको स्वेटिंग, पसीना ज़्यादा आ सकता है, पेशाब का कलर चेंज हो सकता है, स्टमक अपसेट इस मेडिसिन से हो सकता है। इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। इसकी जो डोज है, एक एक टैबलेट रोज़ाना या जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं, क्योंकि ये टैबलेट बीमारी के नौयत के हिसाब से डॉक्टर एडवाइस करते हैं, वेट के हिसाब से एडवाइस करते हैं। एक एक टैबलेट आप दो टाइम भी ले सकते हैं, तीन टाइम भी, जिस तरह आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं। ये एक मंथ भी आप ले सकते हैं, छः महीने का कोर्स भी होता है, बीमारी के हिसाब से डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इसलिए जिस तरह आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करें उसी तरह ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, खुद से ये मेडिसिन इस्तेमाल न करें। इसमें टैबलेट में न्यूरोबियन टैबलेट में इंजेक्शन फॉर्म में भी न्यूरोबियन आता है, उसकी पावर इससे ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ इससे टैबलेट से ज़्यादा होती है। वो भी हफ्ते में एक दो इंजेक्शन डॉक्टर एडवाइस करते हैं, जिस तरह आपको बीमारी की नौयत के हिसाब से आपको एडवाइस करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो न्यूरोबियन टैबलेट के बारे में पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।